पुनस्य एवं शिरोधारा की जानकारी ली। आज हम देखेंगे रक्त मोक्षण के बारे में। रक्त मोक्षण यानी के शरीर में से रक्त को मोक्ष करवाने की क्रिया। जब शरीर में रक्त दूषित हो जाता है, स्किन डिजीज होते हैं, रक्त में पित्त का प्रमाण बढ़ जाता है, तब रक्त मोक्षण की प्रक्रिया करनी होती है। रक्त मोक्षण की अलग अलग टेक्निक्स होती है। कौन सी टेक्निक्स है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया है जलोकावचारण। जलोका एक जंतु होता है जिसे हम इंग्लिश में लीच कहते हैं। सविष और निर्विष ऐसे दो प्रकार की लीच होती है। जनरली इस प्रक्रिया में जो लीच का उपयोग किया जाता है वह लैब में से मंगवाई निर्विष जलोका होती है। वह जलोका को जो रीजन में स्किन डिजीज है उस पे लगाया जाता है। वह जलोका पूरा इम्प्योरिफाइड ब्लड यानी कि दूषित रक्त सक करती है और वो बड़ी हो जाती है। जब ऐसा लगता है कि काफी रक्त उसने चूस लिया है तब वह जलोका के मुंह पे हल्दी डालनी होती है जिससे वह जलोका चूसना छोड़ देती है और फिर वह जलोका को रक्त निकाल कर पूरी प्रक्रिया करनी होती है। एक ही जलोका एक ही पेशेंट में बार बार यूज कर सकते हैं, परंतु याद रहे आज के जमाने में एक पेशेंट की जलोका दूसरे पेशेंट में कभी यूज नहीं हो सकती और वही जलोका को फिर पानी में छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया का नाम है जलोका उच्चारण। दूसरी प्रक्रिया का नाम है स्क्रैपिंग, जिसमें जो लोकल लीजन होता है स्किन डिजीज का उस पर छोटे से एक इंस्ट्रूमेंट से छेद किया जाता है, वहां पे दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेकर वहां से इम्प्योरिफाइड ब्लड को खींच लिया जाता है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। तीसरी प्रक्रिया में जबकि पूरे शरीर में स्किन डिजीज फैले होते हैं तो वेन में से ब्लड निकाला जाता है जिसे रक्त विस्रावण कहते हैं। वेन में जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं और जब जैसे ब्लड देते हैं बस उसी तरह से वेन में से ब्लड लिया जाता है। वो वैद्य डिसाइड करता है कितना ब्लड कितनी क्वांटिटी में लेने की जरूरत है। जब उसे ऐसा लगता है कि इम्प्योरिफाइड ब्लड निकल गया तब वह प्रोसीजर संपूर्ण करता है। इस प्रकार तीनों अलग अलग तरीके से हम ब्लड निकाल सकते हैं जिसे रक्त मोक्षण कहते हैं। अगर आप इंटरनल वमन विरेचन से शरीर की शुद्धि करवाओ और साथ में रक्त मोक्षण भी करवाओ तो अवश्य ही आपको उत्तम परिणाम मिल सकते हैं। नमस्कार।